नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। केवल नंद बाबा के ही नहीं, आज तो सभी घरों में उत्सव और आनंद का माहौल है। कान्हा के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज बनाते हैं हम पंजीरी और चरणामृत, वो भी सही तरीके से, जिससे हम लगाएंगे आज कान्हा का भोग। आगे बढ़ने से पहले, जो भी मेरे चैनल पे नया है, इसे सब्सक्राइब करें, वो भी फ्री में। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, बेनिफिशियल लगे तो आगे से आगे शेयर करें। तो सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और उसे हम गैस पर चढ़ा देंगे। कढ़ाई में हम डाल देंगे थोड़ा सा घी। यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच घी डाल दिया है, वो मेल्ट भी हो चुका है। ये मैंने देसी गाय का घी लिया है। इसमें हम डालेंगे लगभग 50 से 60 ग्राम आटा, जिससे हम नॉर्मली रोटियां बनाते हैं वही आटा लिया है। अब इस आटे को हम मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे धीरे धीरे करके भूनेंगे, ताकि इसका जो कलर है लाइट ब्राउन हो जाए। तब तक हमें इसे भूनना है। ये धीरे धीरे भूनेंगे, फुल फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा आटा और हमारी पंजीरी अच्छी नहीं बनेगी। तो धीरे धीरे करके ये भुनता जा रहा है और ये देखिए लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो चलिए, तब तक हम बनाते हैं हमारा चरणामृत। तो चरणामृत बनाने के लिए मैंने एक बड़ा बोल लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 200 ग्राम दूध। ये कच्चा दूध है, यानी कि रॉ मिल्क है, हमें दूध को बॉईल करके नहीं लेना है। इसमें डाल रही हूँ घर का बना हुआ ताज़ा दही। दही मैंने लिया है 3 बड़े चम्मच और इसके साथ में ऐड करूँगी मैं 2 बड़े चम्मच पिसी हुई शक्कर। आप नॉर्मल शक्कर भी ले सकते हैं, बस वो घुलने में थोड़ा सा टाइम लेगी, वैसे कोई बड़ा इशू नहीं है। अब इसके साथ में हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि यहाँ मैंने लिए हैं मखाना, वो चॉप करके डाल दिए हैं, कुछ काजू, वो भी चॉप करके डाल दिए हैं। साथ में मैं डाल रही हूँ उसमें सूखा हुआ नारियल ग्रेट करके, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। वैसे मेवे तो ऑप्शनल होते हैं, पंचामृत में केवल 5 चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इसमें साथ में चिरौंजी भी डाल दिए मैंने, थोड़े से पिस्ता डाल दूंगी काट कर, और थोड़े से बादाम काट कर मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो मैंने जैसा कि बोला, पंचामृत में 5 चीज़ें बेसिकली इम्पॉर्टेंट होती हैं, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल। इन 5 चीज़ों से ही मिलकर बनता है पंचामृत। बाकी जो मेवा वगैरह है, ये सब तो ऑप्शनल होते हैं। तो चलिए, अब पंजीरी ठंडी हो चुकी है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर और जितने ड्राई फ्रूट्स भी हैं मेरे पास, वो मैं सब इसमें ऐड कर दे रही हूँ। जैसे कि सूखा नारियल घिसकर डाला है, काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी और मखाने, इन सभी चीज़ों को 1 by 1 करके मैं इसमें डाल दूंगी और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे, ताकि जो शक्कर हमने डाली है वो इक्वली सेट हो जाए। तो ये देखिए, बनकर तैयार हो गई हमारी पंजीरी। कितना सिंपल है ना इसे बनाना, और बहुत डिलीशियस भी होती है, और कान्हा का भोग लगाने के बाद तो और भी डिलीशियस हो जाती है। तो अब करते हैं हम अपना पंचामृत पूरा। तो अब हम पंचामृत में डालेंगे 1 चम्मच गंगाजल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और 1 चम्मच ही देसी गाय का घी। माना जाता है कि पूजा पाठ में हमेशा देसी गाय के घी को ही महत्व दिया जाता है। 1 चम्मच डालेंगे शहद। शहद आप किसी भी क्वालिटी का, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो और सभी को इन्हें मिक्स कर देंगे और ये बन गया हमारा पंचामृत कान्हा के भोग के लिए। और हाँ, एक बात और, कान्हा का प्रसाद तभी पूरा होगा जब आप इसमें तुलसी दल रखेंगे। अब बात करते हैं आपको पंचामृत और पंजीरी बनाते समय क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आटे को ज्यादा नहीं भूनना चाहिए, नहीं तो उसका फ्लेवर सही नहीं आएगा। और दही जो यूज करते हैं उसे खट्टा नहीं लेना है, बिल्कुल नॉर्मल ही दही हमें लेना है। और दूध आपको कच्चा ही लेना है, उसको बॉईल करके यूज नहीं करना है। और 5 चीजें दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल, ये डालना ही डालना है, और तुलसी पत्ता। तो देर किस बात की है, बनाइए कान्हा को भोग लगाइए और खाइए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।